सीनियर ऑस्टेटिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट एट एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 86 ग्रेटर फरीदाबाद एंड आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर मोर देन 15 ईयर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार पेशेंट जब 8-7वें महीने में आती हैं और 24 से 28 हफ्ते में, पहले हमने वीडियो में बताया हुआ है कि हम प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन यानी बेबी कितने एज का हो रहा है मदर के गर्भ में वो हम हफ्ते में निकालते हैं, वीक्स में निकालते हैं। तो 24 से 28 हफ्ते में हम जब ग्लूकोज का टेस्ट कराते हैं, ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट कराते हैं, OGTT कराते हैं या डिप्सी कराते हैं, तो उसमें अचानक पता चलता है कि पेशेंट को शुगर हो गया और बहुत पेशेंट वरीड हो जाते हैं, अटेंडेंट वरीड हो जाते हैं। वरी होने की बात है, बट अगर आपको 24 से 28 हफ्ते में पता चला है कि ये है जेस्टेशनल, उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है, ग्लूकोज का लेवल होता है उस लेवल के हिसाब से देखते हैं, तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ और पहले से आपको जो डायबिटीज़ है, इन दोनों बातों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। एक तो अगर आप थ्रू आउट पहले बार जब भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको प्रेगनेंसी डायग्नोज हुआ तो आपको वेट नहीं करना चाहिए कि हम 3 मंथ्स के बाद दिखाएंगे। ये बहुत कॉमन इशू है। बहुत लोग सोचते हैं कि 3 मंथ्स तक हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना है, डॉक्टर हमें दवा लिखते हैं। एक बात बताया जाए, अच्छे से बता देना चाहती हूँ कि फर्स्ट 3 मंथ्स में जब तक ऑर्गेनोजिनेसिस होता है, बच्चे का ऑर्गेन डेवलप होता है, हम लोग सिर्फ सप्लीमेंट्स देते हैं जो कि ऑलरेडी आपके बॉडी में है। जो हार्मोन है वो हार्मोनल सप्लीमेंट देते हैं, फॉलिक एसिड वगैरह एडवाइस करते हैं, आपको कोई दवा नहीं दी जाती है, उसको मेडिकेशन के रूप में आप नहीं लें, वो सप्लीमेंट्स है, ठीक है, जो कि आपके बेबी के लिए टोटली सेफ है। तो आपको फर्स्ट जैसे ही डायग्नोसिस होता है आपको आना चाहिए। उसमें हम लोग शुगर का टेस्ट कराते हैं। आज हम बस शुगर की बात करें या और शुगर का कैसे बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है ना। तो प्रेगनेंसी एक ऐसा कंडीशन है, हमें यह भी पता है कि इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी एक्चुअली क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलिन बॉडी में है बट वो इंसुलिन उतना काम नहीं कर पाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस का स्टेटस होता है, ठीक है। ऐसा होना बेबी के हेल्थ के लिए अच्छा है, अनटिल अनलेस कि उनको फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, पेरेंट्स में से कोई डायबिटिक है, सिबलिंग्स कोई डायबिटिक है, या फिर उनका पहले PCOD की हिस्ट्री हो चुकी है, PCOS की, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की हिस्ट्री हो चुकी है, तो उनमें ये टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो वैसी कोई अगर हिस्ट्री है तो तब प्रॉब्लम है। और अगर उनको और फ्रिक्वेंट टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है, जैसे मंथली HbA1c कराते हैं, ग्लूकोज का फ्रिक्वेंट टेस्ट कराते हैं, अगर ये हिस्ट्री नहीं है तो ये जो रेजिस्टेंस होता है ये क्या करता है, इंसुलिन का काम होता है कि मदर जब खाना खाई तो ग्लूकोज डाइजेशन के बाद वो टूटा, कार्बोहाइड्रेट टूटता है और सिंपलर फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज से माँ के खून में आया, माँ के खून से फिर बेबी को मिलता है। तो क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस मदर का जो है वो क्या करता है, जब ग्लूकोज आया मदर के सर्कुलेशन में तो उस ग्लूकोज को मदर का सेल जो है उसके लिए रेसिस्टेंट है, वो यूज नहीं कर रहा है कि ग्लूकोज नहीं यूज करना है, बट तो क्या हो गया कि मदर के सर्कुलेशन में ग्लूकोज बढ़ गया, लेकिन ये ग्लूकोज फिर बेबी की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, एक्स्ट्रा है। तो ये अच्छी बात है कि बेबी की तरफ डाइवर्ट हो गया तो बेबी का ग्रोथ ज्यादा होगा, ठीक है। ये खाना जैसे मदर खाती है तो तुरंत हाइपरग्लाइसीमिया होता है जो कि बेबी के लिए अच्छा है, बेबी यूटिलाइज कर लेता है क्योंकि मदर का टिश्यू थोड़ा उसको टेकअप करने के लिए रेसिस्टेंट हुआ रहता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जब हम रात में सोते हैं तो मॉर्निंग में हाइपोग्लाइसीमिया होता है क्योंकि हम तो ले नहीं रहे हैं, अब गर्भवती महिला खाना नहीं खा रही है रात में, वो सोई हुई है, सुबह उठते ही उनको बोला जाता है कि मीठा आपको कुछ लेना है, तुरंत लेना चाहिए भी, है ना, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया होता है। बेबी तो 24/7 उनका यूज कर रहा है बट रात में मदर नहीं ले रही है, तो मदर का क्या होता है, सारा ग्लूकोज कंज्यूम हो जाता है, वो हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट में आती है। जब मदर जगती है तो उसको भी ग्लूकोज की जरूरत होती है अपने सिस्टम को एक्टिव करने के लिए, तब उनको इससे रिलेटेड चक्कर और मॉर्निंग सिकनेस वगैरह ये सब बेबी सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब बात हो रही थी कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी इंड्यूस चेंजेज है।
अब हमने 24 से सब कुछ ठीक चल रहा है, तो 24 से 28 हफ्ते में हम जो OGTT कराते हैं, ग्लूकोज के लिए टेस्ट कराते हैं, उसमें अगर आता है आपका, और इसके पहले आपका बिल्कुल ठीक ठीक था, ग्लूकोज के लिए जो भी टेस्ट कराया गया था फर्स्ट विजिट में सब कुछ नॉर्मल है, तो आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपका ऑर्गेनोजिनेसिस का, बच्चे का जो अंग डेवलप होता है, क्योंकि डायबिटीज मेनली क्या करता है, शारीरिक विकृति किस तरह का बच्चों में कराता है, हार्ट से रिलेटेड शारीरिक विकृति कराता है, हार्ट चेंबर नहीं बने रहते हैं, हार्ट चेंबर चार की जगह दो बने रहते हैं, वेंट्रिकल का जो उसका वेंट्रिकल का साइज होना चाहिए वो हाइपोप्लास्टिक मतलब बहुत छोटा होता है, जो कि लाइफ के लिए कॉम्पैटिबल नहीं है, उस तरह का प्रॉब्लम होता है। फिर क्या होता है, बोन की डिफॉर्मिटी होती है, तो वो कई बोन की डिफॉर्मिटी भी लाइफ के लिए कॉम्पैटिबल नहीं होता है। लेकिन अगर वो ऑर्गेनोजेनेसिस का फेज निकल गया है और आपको 24 से 28 हफ्ते में मतलब 6 महीने के बाद, 7वें महीने में जो हमने टेस्ट कराया उसमें अगर डायबिटीज का निकला है, तो आपको डरने की बात नहीं है, आपको थोड़ा डॉक्टर से फ्रीक्वेंट विजिट कराना होगा, बेबी के ग्रोथ के लिए अल्ट्रासाउंड विथ डॉपलर एंड CTG जो कार्डियक टोकोग्राफी से बेबी का हार्ट रेट ट्रेस करते हैं, NST भी कहते हैं, वो सब कुछ हम लोग फ्रिक्वेंटली कराते हैं, और फ्लूइड का अमाउंट देखते हैं बेबी के चारों तरफ, AFI वगैरह कितना है, और ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड आपको डायट्री चार्ट प्रोवाइड किया जाता है। हमारे हॉस्पिटल में डायट्री चार्ट कंबाइन करके ऑब्स्टेट्रिशियन प्रोवाइड कराते हैं, डायटिशियन से, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से, इनको ये डाइट लेना है। आपको अगर डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज डायग्नोज हुआ है, तो आपको ऐसा नहीं कि आपको फास्टिंग कम खाना है तो आपका शुगर कंट्रोल होगा, नहीं, आपको कंटिन्यूअसली खाते रहना है। अगर आप नहीं खाएंगे तो आपका फैट, बेबी को तो 24/7 एनर्जी चाहिए, आपका फैट जो स्टोरेज में है अगर आप रिस्ट्रिक्ट करती हैं अपना खाना, बहुत हमारी पेशेंट ऐसी हैं कि मैं तो 2 घंटे 3 घंटे खा नहीं रही हूँ क्योंकि शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, आपको डायट्री चार्ट के हिसाब से लेना है। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपका फैट ब्रेक होता है और फैट से कीटोन बॉडी बनता है, कीटोन बॉडी डायरेक्ट बेबी के हार्ट मसल के लिए डेट्रीमेंटल होता है, बेबी का कार्डियक मसल के लिए टॉक्सिक होता है, कार्डियक मसल्स जब काम नहीं करेगा तो सडन डेथ भी बेबी की हो सकती है, ये इतनी सीरियस चीज है। तो एक अगर जेस्टेशनल डायबिटीज मिलाइटस 24 से 28 हफ्ते में हुआ है, ऑर्गेनोजिनेसिस 13 हफ्ते में कंप्लीट हो जाता है, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि बच्चे में कोई शारीरिक विकृति होगी, बिल्कुल नहीं। दूसरा क्या है कि अगर शुगर कंट्रोल होता है तो बिल्कुल उसको नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह लिया जाता है। हाँ, फीटल सर्विलेंस के लिए, जैसा कि मैंने बताया, बेबी का ग्रोथ, बेबी का डेवलपमेंट, बेबी की एक्टिविटी देखने के लिए फ्रिक्वेंट अल्ट्रासाउंड, फ्रिक्वेंट CTG वगैरह, NST टेस्ट, ये सब कराने की जरूरत पड़ती है, कुछ और टेस्ट हम लोग एडेड उसमें कराते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है, आपको तो फ्रिक्वेंट विजिट और डॉक्टर के सलाह के अनुसार चलना होता है। लेकिन जेस्टेशनल डायबिटीज मिलाइटस से बेबी को स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी के ऑलमोस्ट लिस्ट चांस है। तो आज के इस जानकारी के साथ हमने क्या-क्या देखा कि प्रेगनेंसी के दौरान ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में क्या चेंज होता है, इंसुलिन रेसिस्टेंट स्टेटस क्यों इम्पॉर्टेंट है बच्चे के ग्रोथ के लिए, और क्या हमने जाना कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस जो कि 24 से 28 हफ्ते के टेस्ट से पता चलता है, उससे आपके बेबी के स्ट्रक्चर पे मतलब शारीरिक डेवलपमेंट पे बहुत नेग्लिजिबल फर्क पड़ता है, और उसको अगर शुगर कंट्रोल रहता है तो उसको हम लोग नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ट्रीट करते हैं, नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल भी दिया जाता है, सिजेरियन के अपने इंडिकेशन होते हैं, अगर वो इंडिकेशंस हैं तो सिजेरियन होते हैं, अदरवाइज इट हैज GDM को नॉर्मल, अगर शुगर कंट्रोल है, एवरीथिंग इज ओके, फीटल सर्विलेंस सब कुछ ठीक है, तो उसको नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ट्रीट किया जाता है, और नॉर्मल डिलीवरी का फुल ट्रायल भी दिया जाता है। तो आज की इसी जानकारी के साथ एक बार फिर से धन्यवाद।